तो हेलो गाइज, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर बंधन एग्रो सर्विस। तो आज का टॉपिक है रेड माइट्स, जिसे रेड स्पाइडर भी कहा जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ये क्या कंडीशन पे आते हैं या क्या मेडिसिन लगाने पर ये वापस से क्योर हो जाते हैं। ये देखिए, बड़े बड़े बगानों में अक्सर रेड माइट्स, जो कि रेड स्पाइडर या लाल बीमार भी बोला जाता है, लग जाते हैं। तो बात ऐसा है कि कैसे पता करें कि आपके पत्तों पर रेड माइट्स ने इफ़ेक्ट किया है या रेड स्पाइडर ने इफ़ेक्ट किया है। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूं, क्योंकि आप आँखों से उसे पहचान नहीं पाओगे। पत्तों पर तो आप पहचान लोगे, किंतु आप माइट्स देख करके पहचान नहीं सकोगे कि ये रेड स्पाइडर है, कि उन्हें आँखों से देखना बहुत मुश्किल है। मैं आपको दिखाता हूँ फ़ोटो, स्पॉट होने लग जाते हैं। स्पाइडर्स कभी भी आपको पत्तों के ऊपर नहीं दिखाई देंगे, पत्तों के नीचे लगे हुए रहते हैं वो। तो वो ऐसे दिखते हैं, देखिए एकदम रेड रेड रहते हैं, आप हाथ में उठा नहीं सकते हो, ये तो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा गया। बहुत ही इफेक्ट करते हैं, ये नीचे लगे हुए रहते हैं। आप अगर रेत या कोई पाउडर जाती सामान उसके ऊपर डाल के देखते हो नीचे उल्टा करके पत्ती को, तो आप देख सकते हो कि कैसे वो पत्तियों पर चिपके रहते हैं। तो आपको देखिए, ये इनकी जाति देखिए, छोटे बड़े सब इसमें दिखाए जा रहे हैं। तो ये सब क्या है ना, ये पत्तों के नीचे चिपक जाते हैं, उसके बाद पत्तों का रस, जो कि क्लोरोफिल बोला जाता है, वो उनको पूरा चूस करके ख़त्म कर देते हैं, तो पत्ते सूखने लग जाते हैं। फिर आप देखोगे कि ऐसे रेड रेड स्पॉट होते हैं, फिर जालियाँ ऐसे दिखाई देंगी आपको। तो वो सब नीचे बैठे हुए रहते हैं और उसका रस चूसते उसको सुखा देते हैं। तो ये इनकी देखिए लाइफ साइकिल ऐसी होती है, पहले एग होते हैं, फिर लार्वा, फिर नेम, फिर मेल फीमेल, ऐसे बड़े बड़े होते हैं, फिर ऐसे अंडे, बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप इस फ़ोटो में देख करके, आप फ़ोटो में तो आप देख सकते हो, नॉलेज रख सकते हो कि ये बड़े छोटे दिखते कैसे हैं। आप सिर्फ इनकी नॉलेज रख सकते हो कि वो आँखों से देखना बहुत ही मुश्किल है इन्हें। तो ज़्यादातर मैं बताता हूँ ये किस लिए होते हैं, तो ये होते हैं इसलिए क्योंकि टाइम पे यदि आप पानी नहीं देते हो या ज़्यादा गर्म में कोई भी मेडिसिन मारते हो, तो जब पत्ता का टेम्परेचर हाई हो जाता है तब ये रेड स्पाइडर आने लग जाते हैं। तो इसलिए आप मिडल में जितना भी हो थोड़ा सा पानी दे करके, ज़्यादा धूप लगने के बाद में थोड़ा सा पानी दिया करिए इन्हें। टेम्परेचर अगर मिनिमम में रहता है तब आपका रेड स्पाइडर कभी नहीं आएगा, और ऐसे अगर आ गया तो आपको कोई भी पेन प्रोक्सीमाइट या प्रोपाइजेट या सल्फर आपको मार के क्योर करना पड़ेगा। बात यह है करके आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसे कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। आप अगर टाइम टू टाइम पानी देते हो तो कभी आएगा नहीं ये बीमार, और आता है तो मेडिसिन देखिए सबसे हाई में आता है पावर में मास्टरमाइट, और पेन प्रोक्सीमाइट कंटेन करता है सुपर डायनामाइट, ये बढ़िया है। बताता हूँ क्यों बढ़िया है, क्योंकि पेन प्रोक्सीमाइट लाइट मेडिसिन है, आप कभी भी स्टार्टिंग में हाई मत मारिए, क्योंकि पत्ते अगर उसके हैबिटेट हो जाएंगे तो दूसरी मेडिसिन काम नहीं करेगी। और सेलक्रोन प्रोफेनाफोस 50 EC है, ये भी बढ़िया है, या आप सल्फर भी यूज़ कर सकते हो, जो कि नाम है इसके सल्फेक्स गोल्ड, सुमिटोमो कंपनी का है। और ऑल टोटल देखिए ये सब, एटना देखिए ये भी बहुत बढ़िया है, सुमिटोमो का ही है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। और आप देखिए मिटिगेट, पेन प्रोक्सीमाइट कंटेन करता है ये, विलोमाइट, ये भी फेनप्रोक्सीमाइट, सब एक्रीसाइड है ये सब। आप इनमें से कोई भी, जैसे मैं इतना सारा दिखा रहा हूँ आपको, देखिए मैं फिर से आपको एक बात बता रहा हूँ कि मैं जो प्रोडक्ट दिखाता हूँ सिर्फ उसके पीछे मत रहिए। प्रोफेनाफोस या सल्फर या प्रोपाइजेट या फेनप्रोक्सीमाइट जिस भी प्रोडक्ट में हो आप उसे यूज़ करिए, स्टार्टिंग में कभी भी हाई मेडिसिन मत मारिए। तो इनका डोज ऐसा होता है कि 1:1 डालना है, जैसे कि 1 लीटर पानी में 1 ml लिक्विड जो भी हो आप उसे 1:1 करके डाल सकते हो, और पाउडर जैसे कि सल्फर 1/2 kg आप 200 में डाल के देखिए, अच्छा रिजल्ट होगा। मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ रेड स्पाइडर के सारे नॉलेज, उन्हें पहचानना कैसा है वो तो मैंने आपको बता दिया। पत्तों के नीचे में वो लगे रहते हैं, तो वो पूरे रस चूसते हैं, तो धीरे धीरे करके उनका कलर फेड होता है, तभी हमें पता चलता है कि ये परोसे में बहुत देरी हो जाता है। तो आपको बीच बीच में ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से आप उसको स्प्रे करते रहिए, तो आपके आएंगे नहीं। तो टेम्परेचर
क्या हिसाब से आप मेंटेन करें, तो आप टेम्परेचर मेंटेन करने का एक ही है कारण, आप पानी उसके ऊपर स्प्रे छिड़ाव करते रहिए टाइम टू टाइम, जब भी आपको लगे करके अभी आज थोड़ा सा धूप ज़्यादा है या मिट्टी का टेम्परेचर हाई है, बस आप उसको स्प्रे करिए, आपके रेड माइट्स की कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। मेडिसिन का तो मैंने आपको सब बता दिया है, जैसे कि एक्रिसेट, प्रोफेनोफोस या फ्रेनप्रोक्सिमाइड, सल्फर, प्रोपाइजेट, जो भी मिलता है आप उसको मार के क्योर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रेड स्पाइडर की जब भी आप दवाई डालते हो तो कभी भी आप उसके साथ दूसरे मेडिसिन ना मिलाएं, क्योंकि जब उसके साथ मिलाओगे तो रिएक्शन होना है, या तो आपका रेड स्पाइडर का काम नहीं करेगा या तो जो आपने मिलाया वो काम नहीं करेगा। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कभी भी आप अगर रेड स्पाइडर या दूसरा कोई भी आप इंसेक्ट का आप स्प्रे करते हो तो आपको कभी भी आपको पहले बाहर की तरफ से स्प्रे करना है, जैसे कि बॉर्डर की तरफ से, जहाँ में आपका कोई बॉर्डर दिया हुआ है तो उस तरफ से पहले करिए, क्योंकि आप अगर मिडल से स्टार्ट करते हो तो रेड स्पाइडर एक ऐसे इंसेक्ट है कि वो उड़ के दूसरे एरिया में जाते हैं, तो आप ये देखिए करके बाहर की तरफ से पहले करिए, नहीं तो क्योर कम होता है और फैलता ज़्यादा है। आपको पहले नीचे की तरफ से पत्तियों पे मारना है, उसके बाद ऊपर की तरफ से स्प्रे करिए ताकि वो बचना उसका नामुमकिन हो, और साथ में सिलिकॉन बेस स्टिकर मिलाइए, बहुत बढ़िया रिजल्ट होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको और भी कोई दूसरे बीमार के बारे में जानकारी चाहिए तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो, या तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसमें ही आपको, अगर छोटी मोटी बीमारी हुई तो मैं उसी में आपको सोल्यूशन दे दूँगा, वरना मैं एक नया वीडियो आप लोगों के लिए, सबके लिए बना दूँगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, थैंक यू।